ब्रेड को हम भी इसके अंदर डालो। ऑयल डाले हुए थे हमने ऑलरेडी पहले से। दूसरे ब्रेड को भी हमने अंडे के साथ बिल्कुल रेडी कर लिया। फुटेंगे दूसरे को भी डाल दिया। ये देखें अभी आपका बेहतरीन बन गया। जब ये थोड़ा सा रेडी हो जाएगा तो आप इसको वो करें। और ये देखें अभी आप हल्की आंच पे लगाया है हमने इसको, क्योंकि इसको नज़र नहीं आ रही आप। ये तीसरा भी आ गया। शाम के टाइम आप इसको एंजॉय करें इवनिंग टी के साथ। ये हमने इसको ट्रायंगल शेप में डाल दिया। अभी इसके अंदर दूध डालेंगे। इससे आप 1 कप में ज़्यादा पका सकते हैं, अदरवाइज आप सिंगल सिंगल भी करके कर सकते हैं। उसमें आपका जस्ट टाइम ज़्यादा लगेगा। बस अभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ये जज्बा बदल जाएगा और साथ ही अच्छा करके बनता जाएगा। जो नीचे हैं वो डेफिनेटली उनको ज़्यादा लगेगा और जो ऊपर हैं गरीब वो वैसे ही रह जाएंगे। ये भी तैयार हो चुके हैं। थोड़ी देर में इनको सही और इसमें पका के दूध के अंदर बेहतरीन किस्म के फ्रेंच टोस्ट आपके रेडी होंगे। आप आराम से इसको एंजॉय करें।